और मैं बता रहा हूँ इसके बाद काफी सारे आपके एवेन्यूज ओपन हो जाएंगे न्यूट्रिशन की दुनिया में, फूड की दुनिया में, आप डाइटिशियन भी आगे बन सकते हो और साथ ही साथ आप इस एमएससी वाले प्रोग्राम को एनरोल कर लोगे और इग्नू इसको अलाउ करता है, ये बहुत अच्छा इग्नू ने किया है कि इग्नू तो घर बैठे अगर कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स करके आप न्यूट्रिशनिस्ट या न्यूट्रिशन एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इग्नू के सारे कोर्सेज जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड हैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। 10+2 जिनकी क्वालिफिकेशन नहीं है वो भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं और एक और जाते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा तक। तो सारे के सारे ऑप्शंस आपके साथ आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ और बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी जो लोग कन्फ्यूज थे कि न्यूट्रिशन में कैसे करियर बनाना है, उन लोगों के लिए वीडियो है। और आपको पता है कि इग्नू एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है तो इसकी फीस भी काफ़ी कम होती है। जो लोग कन्फ्यूज थे कि उनका हिंदी मीडियम है उनके लिए भी ऑप्शन बताऊँगा, तो एंड तक वीडियो देखिएगा और नोट्स बनाइएगा, लाइक करना मत भूलना और हमारी प्लेलिस्ट में जितने भी इससे संबंधित वीडियो हैं उनको देखोगे तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी। तो शुरू करता हूँ ये वीडियो। तो जो सबसे एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन है उसका नाम है CFN यानी कि सर्टिफिकेशन इन फूड एंड न्यूट्रिशन। अब ये 6 मंथ्स का कोर्स होता है तो आप 6 मंथ से लेकर 1 ईयर तक इस कोर्स को कर सकते हैं, यानी कि अगर आप 6 महीने में पूरा नहीं कर पाते हैं तो 1 साल का समय आपको इग्नू देता है। बिल्कुल बेसिक एंट्री लेवल कोर्स है और अगर आप 10+2 भी नहीं है, आपने स्कूलिंग भी नहीं करी हुई है तो भी आप इस कोर्स को कर सकते हो। मीडियम इंग्लिश, हिंदी और सारी की सारी रीजनल लैंग्वेजेस, यानी कि आप एसमीज में कर सकते हो, बंगाली में कर सकते हो, तमिल में कर सकते हो, तो बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस में भी ये कोर्स आप कर सकते हो। अब फीस की बात करें तो फीस इसकी है 1900 रुपीज़ और 300 इसकी रजिस्ट्रेशन आती है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंट्री लेवल कोर्स है, आपके फंडे खोल देगा और इसे करके आपको बेसिक न्यूट्रिशन का समझ में आ जाएगा। आप ये समझ पाओगे कि कितना आसान है या डिफ़िकल्ट है। अगर आपको लगेगा भाई मेरा इंटरेस्ट नहीं है, अब मुझे 6 महीने करने के बाद लगा कि मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ तो आप छोड़ सकते हो, लेकिन आपको लगा कि अब मैं आगे करियर बनाना चाहता हूँ तो आप इसके आगे के एडवांस प्रोग्राम कर सकते हो। साथ ही साथ आप अपने घर वालों की, अपने मोहल्ले वालों की, अपने दोस्तों की, अपने बॉयफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स की मदद कर सकते हो न्यूट्रिशन या उनका डाइट प्लान बनाने में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये कोर्स है। दूसरा कोर्स है जो कि मैं कहूँगा इनका एक स्टार कोर्स है, उसका नाम है DNHE यानी कि डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन। पहले भी इसके ऊपर मैंने काफ़ी सारे वीडियो बनाए हैं। क्यों ये इनका स्टार कोर्स है? क्योंकि ये आपको एक डिप्लोमा देता है जो कि सरकारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज है। क्वालिफिकेशन 10+2 यानी कि 12th किसी भी स्ट्रीम में हो सकते हैं, आर्ट्स में हो, साइंस में हो। 1 साल की ड्यूरेशन है, लेकिन अगर आप पास नहीं कर पाते हैं, आप एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं तो 4 साल तक आप इस कोर्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। इन अ वे कि आपने कुछ पेपर क्लियर कर लिए फिर बाकी बचे हुए आपने अगले साल क्लियर किए तो 4 साल तक आप कंटिन्यू कर सकते हो। एज का, अपर एज लिमिट का कोई क्राइटेरिया नहीं है किसी भी इग्नू के कोर्स में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि आप 20 साल के हो, 30 साल के हो, 40 साल के हो, 50 साल के हो, 60 साल के हो तो भी आप ये कोर्सेज कर सकते हो और इससे आपको एक प्रॉपर डिप्लोमा मिल जाता है। अगला आपको बताऊंगा PG यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्स, और इसका नाम है MSc इन फूड एंड न्यूट्रिशन। अब ये जो है वो 2 साल का कोर्स है और इसकी फीस है 32,400। अगर मैंने DNHE की फीस नहीं बताई तो DNHE की फीस है 3,000 और रजिस्ट्रेशन सारे प्रोग्राम्स की लगभग 300 रुपये के आसपास होती है। MSc की फीस है 32,400 जिसको आप 2 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो, यानी कि एक बार 1 साल का कोर्स पूरा करने पे आपको लगभग 16,000 देने हैं और फिर नेक्स्ट ईयर में जब आप जाओगे तो फिर से आपको लगभग 16,000 रुपये की फीस पे करनी है। 2 साल के कोर्स को अगर आप क्लियर नहीं कर पाते हो 2 साल में तो 5 साल तक का टाइम आपके पास होता है इसे कम्प्लीट करने का। और इसके अंदर ऑब्वियसली आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह होंगे और अच्छी खासी पढ़ाई होती है जिसको आप ढंग से पढ़ोगे तो एक अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट, अच्छे एक्सपर्ट बन सकते हो। इंटरेस्टिंग पॉइंट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप बोलोगे मैंने तो भाई ग्रेजुएशन में पढ़ाई ही नहीं करी है, मैंने तो न्यूट्रिशन पढ़ा ही नहीं, मेरे को तो ध्यान ही नहीं रहा, मुझे न्यूट्रिशन में आगे करियर बनाना था, मैंने BSc कर ली जूलॉजी में या केमिस्ट्री में, लेकिन मैं अब इसमें इंटरेस्टेड हो गया हूँ, अब मुझे ये करना है तो मैं क्या करूँ? तो आप क्या कर सकते हो कि आप जो मैंने आपको डिप्लोमा प्रोग्राम बताया था, सर्टिफिकेट प्रोग्राम बताया था, उसमें इनरोल करोगे। उसमें इनरोल करने के बाद और साथ ही साथ आप इस MSc वाले प्रोग्राम को इनरोल कर लोगे और इग्नू इसको अलाउ करता है। ये बहुत अच्छा इग्नू ने किया है कि इग्नू ने अलाउ कर दिया है। वहाँ से आपने डिप्लोमा करना शुरू किया, 1 साल का वो डिप्लोमा है, और यहाँ से आपने पढ़ाई शुरू करी या फिर आपने सर्टिफिकेट करना शुरू किया और साथ ही साथ आपने अपने आने वाले 2 सालों में डिप्लोमा भी क्लियर कर लिया और ये MSc
इन फूड एंड न्यूट्रिशन भी क्लियर कर लिया और आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी कंप्लीट हो गया, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन खुला हुआ है। और उसके अलावा जिन लोगों ने होम साइंस में अपना ग्रेजुएशन किया है, न्यूट्रिशन जिनका मेजर था, या फिर जिन्होंने बी फार्मा किया हुआ है, जिन्होंने BAMS किया हुआ है यानी आयुर्वेदा में जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, उन लोगों के लिए ऑलरेडी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑन है, यानी कि वो लोग ये चीज़ कर सकते हैं विदाउट इवन डूइंग दैट सर्टिफिकेशन और डिप्लोमा। और इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी आपने पढ़ी हुई है या इस टाइप के कुछ कोर्सेज आपने करे हुए हैं स्पेशलाइज्ड, तो वो लोग भी ये MSc प्रोग्राम कर सकते हैं। और मैं बता रहा हूँ इसके बाद काफ़ी सारे आपके एवेन्यूज ओपन हो जाएंगे न्यूट्रिशन की दुनिया में, फूड की दुनिया में, आप डाइटिशियन भी आगे बन सकते हो एक और एग्जाम को क्लियर करके। अब जो चौथा मैं आपको सर्टिफिकेशन या PG प्रोग्राम बता रहा हूँ, वो प्रोग्राम न्यूट्रिशनिस्ट बनने का तो नहीं है लेकिन फूड टेक्नोलॉजी में, जैसे कि आप अगर इन कंपनी से जुड़ना चाहते हो, आप अमूल में जॉब पाना चाहते हो, आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड कंपनीज में जॉब पाना चाहते हो, आप प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में जॉब पाना चाहते हो, तो यहाँ पे ये PG डिप्लोमा आपके काम आने वाला है। और इस PG डिप्लोमा का नाम है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये 1 साल का है और इसको आप 4 साल तक कंप्लीट कर सकते हो, जैसा मैंने बताया, अगर आप 1 साल में नहीं कर पा रहे हो। फीस इसकी है 14,000 रुपये, और अगेन काफ़ी सिमिलर इसका क्राइटेरिया है जो मैं आपको पहले बताया। तो जो ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने एग्रीकल्चर पढ़ी है, डेयरी पढ़ी है, हॉर्टिकल्चर पढ़ा है, होम साइंस पढ़ी है, वो लोग इसको कर सकते हैं। जिन लोगों ने BSc केमिस्ट्री में करी है, लाइफ साइंसेस में करी है, बायोटेक्नोलॉजी में करी है, माइक्रोबायोलॉजी में करी है, वो भी एलिजिबल हैं इस प्रोग्राम को करने के। और इस PG डिप्लोमा को करने के बाद आपके एवेन्यूज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जो फूड मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो कंपनी सॉसेस बना रही है, सॉसेजेस बना रही है, जो कंपनी पैकेज्ड फूड बना रही है, जो कंपनी ड्रिंकिंग बेवरेजेस बना रही है, तो वहाँ पे आपके जॉब के एवेन्यूज काफ़ी खुल जाते हैं। तो मैंने काफ़ी डिटेल में आपको ये बताने की कोशिश करी है और कम समय में आपको बताने की कोशिश करी है, लेकिन आपके क्वेश्चन से तो आप कमेंट मुझे कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट्स के आंसर करूँ। और आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम में, वहाँ भी मैं आंसर आपके कर सकता हूँ। तो आप ये वीडियो के नोट्स बनाइए और हमारे चैनल में फिटनेस एजुकेशन नाम की एक प्लेलिस्ट है, अगर आप चैनल में जाएंगे, उसके मेन होम पेज में जाएंगे, तो उस प्लेलिस्ट में आपको कुछ कोर्सेज के डिटेल मिलेंगे कि इसका कोर्स कैसा है, चैप्टर्स कैसे हैं, क्या पढ़ना होगा, कितना डिफिकल्ट है, एग्ज़ाम कैसे होता है। तो वो प्लेलिस्ट आप देख के काफ़ी अच्छी जानकारी आप ले सकते हैं। इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस की जानकारी भी मैंने वहाँ पे दे रखी है। तो यही टाइम है, अभी अप्रैल मई जून में इसके एडमिशन्स ओपन हो जाएंगे, तो आप अपने आप को इनरोल कर सकते हैं और अपने करियर में आप आगे बढ़ सकते हैं। इवन इफ अगर आप अपना कोई मेन स्ट्रीम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो भी आप इस सर्टिफिकेशंस के लिए खुद को इनरोल कर सकते हैं, अपना एक रास्ता आप खोल सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं दोबारा, गुड बाय।